हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए सुबह का एक बहुत ही टेस्टी और हेल्थफुल नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि गेहूं के आटे और चावल से हम बनाएंगे ये नाश्ता। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कप चावल को मैं 4 घंटा पहले भिगोने के लिए छोड़ दिया था, तो चावल हमारा अच्छी तरह फूल चुका है। अब इसको हम पीस लेते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए हम थोड़ा सा भी ऑयल नहीं यूज करेंगे दोस्तों। चावल में 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं। चावल देखिए हमारा पीस के रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चावल हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है, तो अभी 1 कप गेहूं का आटा इसमें डाल देते हैं। पहले हम आटा को मिलाएंगे, उसके बाद जितना पानी लगेगा उतना ही डालेंगे। 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और अच्छी तरह बैटर को मिलाएंगे। दोस्तों, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक का वीडियो इसमें नहीं आया है दोस्तों, नमक ज़रूर डालना। तो देखिए, एक इनो का पैकेट लिए हैं, अब इनो इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह इनो को भी इस बैटर में मिला लेते हैं। इनो डालते ही हमारे बैटर में अच्छी तरह बबल्स आ गया है। तो देखिए, तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो एक बड़ा चम्मच में हम बैटर को डाल देते हैं। देखिए 2 मिनट जाने के बाद हमारा नाश्ता कितना सुंदर जालीदार हो चुका है दोस्तों। तो थोड़ा सा और इसको हम पका लेते हैं इस तरह उलट पलट करके। तो अभी हम सभी नाश्ता को इसी तरह बना लेते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। बस चावल को बस रात भर भिगा कर रख दीजिए और सुबह तुरंत इस नाश्ता को बनाकर घर घर में सभी को खिला सकते हैं, सबका दिल खुश हो जाएगा। तो सभी नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट और मुलायम है दोस्तों। तो इस तरह नाश्ता खा के सभी का दिल खुश आ जाएगा। तो आप लोग को मेरे रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।